अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। और आज मैं बनाने लगा हूँ ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ, काबली पुलाव। इसको अफगानी पुलाव भी कहते हैं। ये पाकिस्तान, इंडिया और दुबई अदर मुल्कों में ये बड़े शौक से खाया जाता है। जैसे ये जो राइस है स्वीट एंड साल्टी हैं, हमें इसके लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये शुगर के साथ नमक, रेड चिल्ली, और ये पड़ा है हमारे पास कैरेट, जिंजर कटिंग हमने इसकी ली है, ठीक हो गया। और साथ में हमने लिया है इसके ये किशमिश ली है, ये हमारे पास प्याज हो गया, और ये हमारे पास इतना ऑयल हो गया। अब ये हमारी इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कढ़ाही। हमने कढ़ाही ऊपर रख ली है ये। अब हमने कढ़ाई के अंदर जाना ऑयल। ये देखें, मैंने हाफ कप से कम लिया, ये ऑयल लिया कढ़ाई के अंदर। अब हमने इस ऑयल के अंदर ऑनियन को डालना है। ये बहुत मज़े की और डिलीशियस रेसिपी है, यकीनन पसंद आएगी आप लोगों को। ये मैंने ऑनियन को डाल दिया, मैंने एक स्मॉल ऑनियन ले लिया, ये इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये राइस जो है मैंने पहले से ही मैंने ये हाफ बॉइल कर दिया। ये देखिए मैंने हाफ डाल, हाफ बॉइल राइस करने से एक तो हमारी रेसिपी जल्दी बन जाएगी और दूसरा ये बनेंगे भी अच्छे, टाइम भी बचत हो जाएगी इससे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ये तो कर लिया, हमारी हीट जो है प्याज के लिए हमें इसके लिए तेल भी चाहिए। अब ये थोड़ा सा ब्राउन होएगा तो हमने इसके अंदर ये मिर्च और ये दूसरी चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आगे शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे यकीन है कि ये आप लोगों को अच्छी लगेगी अगर परफेक्ट आप लोगों को से बन गया। खुद बनाने ये रंग लेके चेंज हो गया। अब आप इसके अंदर क्या जाएगा, शुगर और ये मिर्ची वो चलेगी, और साथ ही आपने इसके अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा आपने वाटर लिया। देखिए मसाला इसका कलर हिसाब में तब्दील होता जाएगा। तो बेसिकली ये जो काबली पुलाव है ये है स्वीट राइस एंड साल्टी राइस, इसमें डबल टेस्ट आएगा आपको। अब हम थोड़ा उसको पानी लगा, ये भी हमारा थोड़ी इसमें हमारा इसकी बनाई हो जाए तो फिर उसमें हमने क्या डालना होगा, फिर राइस को हमने इसके अंदर, अब ये देख लिया भी रेडी होने को तैयार हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे ये वाले राइस, ये देखिए चीनी मिर्च मेल्ट हो चुकी है। अब हमने ये राइस हमारे इसके अंदर चले गए, ये राइस डालने का टाइम था, राइस टाइम पर राइस डाल दीजिए। वाओ ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा पकड़ते हैं इसी पानी में, इसमें मजीद पानी की ज़रूरत नहीं है। और फ्लेम को हम थोड़ा सा कर देंगे मीडियम, हाई फ्लेम है, थोड़ा हमें इसमें भी मीडियम करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी मज़े की बात है कि ये कैसे राइस है, मीठे भी हैं और नमकीन भी हैं, डबल टेस्ट है और खाने में बहुत डिलीशियस है। इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं ये जो मैंने राइस की जो मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं मैं इनको बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक्स दे देता हूँ, वहाँ से आप इजी देख सकते हैं।
रेसिपी भी साथ में लिख देता हूँ, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये देखें हमने इसको ऐसे मिक्स करते जाना है। ये देखिए हमारे चावलों में अब पानी भी खुशक होता जा रहा है। अब हमने क्या करना है इसमें, ये देखें ये हो गया। और देखो माशाल्लाह इसकी खुशबू कितनी प्यारी फैल गई है, क्या बात है। वो अब इसके ऊपर ये जाएगा, ये जो हमने कैरेट रखी हुई है, ठीक हो गया। अब ये गई चावलों में, अब ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक बनी है, क्या बात है। अब हमने इसमें चम्मच नहीं लगाना चावलों में, हम इसकी आँच मज़ीद और हल्की कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको ऐसे हमने इसको मिक्स करना है चावलों के अंदर। ये इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको चम्मच से भी ऐसे करके दिखाता हूँ, क्यों ना मजे के क्या लुक आई है चावलों की। अब हमें इसको स्टीम पे लगाना पड़ेगा और इसकी आँच हमें मजीद और हल्की करनी पड़ती है। यहाँ पर इसको मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है और इसके ऊपर अब जो है ये वाला प्लेट ठीक हो गया। वो तो हमने लिया कर, अब हमने क्या करना है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इस डिनर प्लेट जो है उसमें चीज़ों को हम अपना वो बनाते हैं इसकी अब हमने गार्निश के लिए इस प्लेट को हमने सजाना है, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या लगाना है अभी, कुकम्बर। यहाँ से हमने कुकम्बर लिया, इसको हमने पीसेस में कर लेने हैं ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इनको सेंटर में कटिंग करते हैं, सेंटर में कटिंग करके साथ साथ ही हम प्लेट के ऊपर ऐसे फैला देते हैं। आज हम इसको सिर्फ खीरा ही लगाएंगे, आज टमाटर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये लगा दिया, ये देखें, और इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, ये देखें। अब ये लुक भी प्यारी हो जाएगी, क्योंकि खाना तो आपने अच्छा बना लिया, खाने के ऊपर गार्निश जो है आपकी वो इस तरह की हो कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। तो ऐसी गार्निश के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हमने प्लेट को डेकोरेशन करना है, फिर इनके ऊपर आपके पास जो भी अवेलेबल फ्लावर्स है डेकोरेशन के लिए जो चीज़ है वो आपने इस पर ज़रूर लगानी है। और मेरे पास देखे गार्निश के लिए मैंने क्या कुछ रखा हुआ है, मैंने इसमें ये कैरेट भी बचा कर रखी है और ये भी रखा हुआ, और यहाँ पर मैंने ये मिंट के फूल मैंने रखे हुए हैं, ये उसके ऊपर फिर हम लगाएंगे, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें जो हमारी हैं, ये खाना हमारा रेडी के करीब है, तो अब हमें करना क्या चाहिए, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम ये भी हो गई एक माम हमारा, अब हमने ये करना है कि यहाँ पर ये जो हमने रखा हुआ चावल इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँच गया है, इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर हम इसका ढक्कन उठाते हैं। वाओ माशाल्लाह क्या बात है, ये देखिए इस तरीके से इसको हिलाते जाए, ये क्या खूबसूरत बनी, वाह। अब हमने जो हम ये देखे है ना मज़े के खूबसूरत,
ब्यूटीफुल लुक एक नहीं आई ब्यूटीफुल लुक। अब हमने इस प्लेट के अंदर डालते हैं इसको ऐसे, ये ऐसे लगाएं ऐसे इसको, तरीके से ये देखिए हमारा प्लेट कितना ज़बरदस्त भर गया माशाल्लाह, है ना मज़े का काम। ये तो किया हो, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक वीआईपी गार्निश करते हैं इसके ऊपर। तो हमने इनको यहाँ पे रख लिया प्लेट हमने इसमें, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर हमने ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, अब हम जल्दी जल्दी इसको ऊपर ऐसे लगाते हैं। ये देखें वाओ माशाल्लाह क्या लुक आई यार, क्या खूबसूरत लग रही है चावल, वाओ वाह 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 वाह, दिखने में कितने प्यारे खूबसूरत लग गए हैं, है ना मज़े के। तो अगर ये आप लोगों को सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है, रेस्टोरेंटों में खाते भी हैं, तो आपने आगे शेयर करना है, घर में इसको ट्राई ज़रूर करें। और लिंक्स मैंने जो दी है बॉक्स में उसको आप देख भी लें, बॉक्स में आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जी हमने ये डिश बनाई थी और हमसे वाकई ये परफेक्ट सिंपल रेसिपी में बहुत ईजी और आसानी से बन गई है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर, अल्लाह हाफिज़।